जय जवान जय किसान। वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड इस संस्था के मैं चेयरमैन शिवाजी शामराव डोले महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों राज्य के निवृत्त जवान किसान मेंबर्स ऑफिस स्टाफ और फार्म में करने काम करने वाले सभी मजदूर इन सभी के वजह से 19 अप्रैल 2019 में संस्था का कार्य चालू किया। इस 5 साल के दौरान अप एंड डाउन आए, लोगों के मन मुटाव रहे, दिन रात मेहनत किया, फिर भी सभी लोगों ने जी जान लगा के मेहनत करवा के इस संस्था को इस देश में एक उच्च स्तर पे लाके आज खड़ा किया हुआ है। संस्था ने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के अंदर एक अच्छा नाम रोशन किया है, खेती और खेती से लगा दुय्यम व्यवसाय चालू किया है, प्रोसेसिंग करके इस देश के अंदर विदेश के अंदर एक्सपोर्ट चालू किया हुआ है और इसके माध्यम से ये संस्था आज देश में फार्मर और निवृत्त जवान के लिए एक रोल मॉडल कार्य कर रहे हैं। ये 5 साल के जर्नी के उपलक्ष्य में सभी लोगों ने जितना मेहनत किया इस सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद जय भारत। 527 मैनेजमेंट आधी डोले से त्यांच्या नंतर अशा पद्धतीने पुढे नेत आहे त्यावरून संस्था अतिशय भविष्य उज्ज्वल आहे। कर्नाटक में काजू फैक्ट्री चालू है, वैसे ऐसा बड़ा इवेंट मालेगांव में चालू होना चाहिए और मालेगांव के अंदर आदिल का नाम वेंकटेश्वर का नाम पूरे देश में चलना चाहिए। हमारी सोच का आगे शिवाजी साहब डोले साहब की सोच है और ये सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। मिलिट्री में जॉब ये करने के बाद ये सोचना और एज अ फार्मर करके खड़ी जमीन को एक उपजाऊ जमीन में करने कन्वर्ट करना ये आपके थॉट को सही में नमन है। जिस आदमी की और जिस प्रोजेक्ट की बात स्वयं पीएम मोदी जी करते हैं वो तो सर्वसाधारण हो ही नहीं सकता। इसको बोलते ये तो एक साक्षी है, आगे बहुत कुछ बाकी है। इनको आप सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपको तरफ से सपोर्ट करते रहेंगे। डोले साहब को भगवान से कम नहीं करता हूँ क्योंकि उन्होंने एक भगवान का मुख्य ऐसा कर सकता। बोलना बहुत आसान है लेकिन तर्क निकालना बहुत कठिन है और इस शख्स ने मुझे जो जो 15 मिनट के ऑफिस के अंदर जो समझाया वही ग्राउंड पर उतार कर दिखाया और 5 साल में वो काम करके दिखाया जो इससे पूर्व पहले वाले इंस्टीट्यूट आके देखे। इस काम को पूरा करने के लिए आगे एक बढ़ाना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प और ईमानदारी इस व्यक्ति में डोले शिवाजी साहब में इतनी भरी हुई है कि कोई भी चीज इनके सामने असंभव नहीं है। सर को डिमांड की कि सर हमें थोड़ा नागपुर में भी ऑफिस दीजिए, सर मेरे पास बहुत बड़ी टीम है। सर ने बोला ठीक है आप देख लो। मैं देखने लगा 10x10 की रूम, 10x20x20 का रूम। फिर सर बोला ये क्या है, ये इससे काम चलेगा क्या? मैं बोला सर हम चला लेंगे, आप हमें दे दो दो, हमें नागपुर में काम तो करने दो। तो सर बोला बड़ा सपना रखो, बड़ी सोच रखो, इंडिया का नक्शा बदल देंगे। वो साहब पहले से बोले और वो करके दिखा रहे हैं और आज तक जो साहब ने 5 साल में जो बोले हुए वो एक भी चीज ऐसी नहीं रही है जो बोले नहीं हुआ है। शिवाजी महाराज ने तो असलियत में नहीं देखा, बट मैंने आज मेरे गुरु को जिनको डॉक्टर पदवी मिली है उनको मैं महाराज की तरह पूछता हूँ। 7 फरवरी को यहाँ से मिलने गया था, अगले 4 महीने के बाद एक सेमिनार करा के फर्स्ट सेमिनार में ही आपके संचन करके दे दिया हमारे चेयरमैन शिवाजी चौहान। वेंकटेश्वर एक ऐसा परिवार है जो सभी को लेके चलते हैं, वही हमारे लिए खुशी है।